जी देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है यार। तो भाइयों फिर से हमारी बिरयानी हो रही है। बिजनौर से खाने वाली बिरयानी। बिजनौर वहाँ पे चाय लेने के लिए गए हुए मेरे यार दोस्त। अच्छा बहुत फेमस चाय बताई। तो फ्रेंड चाय कैसी लग रही है? जवाब नहीं है। चलो चलता तोसिफ के साथ ब्रेक होगा, तोसिफ के साथ सुन लो मेरी बात। तो भाई कोई बात नहीं, अब तोसिफ के साथ होने वाला ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो कैसे हमारी YouTube फैमिली? तो भाइयों हम थोड़ा आज लेट यार ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, मुझे पता है। उस चीज़ के लिए मैं माफ़ी मांगूंगा। उस्मान भाई की आपकी अम्मी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, तो वैसे ही तबीयत खराब रहती तो थोड़ी ज़्यादा तबीयत खराब हो गई थी। तो हमने सोचा इस सिचुएशन में ब्लॉग बनाना अच्छा नहीं लगता भाई हमें भी, उस्मान को भी अच्छा लगेगा यार ये अपने मज़े में यार सिचुएशन में। देखो सबके साथ मुसीबत में खड़ा होना चाहिए, खुशी में ना हो लेकिन मुसीबत में जरूर होना चाहिए। तो भाइयों अब हम रात के कितने बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रात के 1 बजे ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं। अब बहुत जल्दी सोचेंगे बहुत अच्छा नया दिखाने के लिए। अब चलते हैं, हमने प्लान बनाया है। कहाँ का बनाया? कसाबपुरा का प्लान बनाया हमने। तो कसाबपुरा यहाँ से निकलते हैं सारे भाइयों। अब तो अल्लाह के शुक्र से इसकी अम्मी की तबीयत बहुत बहुत ज़्यादा ठीक है। बाकी भाई सभी से दुआ की दरख्वास्त है भाई, सभी दुआ करो। और बाकी यहाँ से अब चलते हैं और दिखाते हैं जहाँ जाना होता है जैसे भी होता है, थोड़ा इतना बढ़िया मज़ा दिलाने की कोशिश करेंगे। नहीं दिला पाए तो उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगेंगे। बाकी चलो मिलते हैं थोड़ी देर में। चलो भाइयों भाइयों ये अपने खजूरी का बाजार है यार। आज तो हम बाजार था, इतवार बाजार था, तो हम आज दिखाने पाए। तो अब तो भाई उठने के लिए तैयार हो चुका है बाजार, ये देखो। क्योंकि अब तो भाई बहुत लेट हो रही है ना, तो अब उठने के लिए तैयार हो चुका है बाजार। अब यहाँ से हम जा रहे हैं, बाकी इंशाल्लाह चांद रात वाले दिन तुम्हें बाजार दिखाएंगे यहाँ का बाजार कैसा लगता है, ये देखो। बाकी माशाल्लाह बहुत रौनक रहती है। अब आ चुके हम अपने पुश्ते पे और चलते हैं यहाँ पर। तो भाइयों एक गाड़ी ये रही, एक गाड़ी पे सादान उस्मान और तौसीफ, एक गाड़ी पे हम दोनों भाइयों बेजान छोटा मैनेजर अपना। और तो अब हम जा रहे हैं सिग्नेचर ब्रिज वाले रोड पे फिर से। तुम्हें सिग्नेचर ब्रिज भाई, सिग्नेचर ब्रिज से तो हमें मोहब्बत सी हो गई है, या सिग्नेचर ब्रिज को हमसे मोहब्बत हो गई है, कुछ समझ नहीं आता। जब भी निकलते हैं इसी रोड से निकलना होता है हमारा भाई, जब भी निकलो इसी रोड से निकलो। बाकी आज काम चल रहा है ना, काम चल रहा है। हाँ हाँ शास्त्री पार्क वाले रोड पे ना थोड़ा बहुत काम चल रहा था, धूल मट्टी थोड़ी ज्यादा उड़ती है। तो साफ जो रोड है ना वो यही वाला बताया यार, अच्छा भी लगता है ये वाला रोड भाई। बाकी सिग्नेचर ब्रिज की अगर आज लाइट जल्दी होगी तो आज भी दिखाऊंगा भाई, बिल्कुल। मैं तो रोज यही दिखाता हूँ तुम्हें, लाइट के नीचे बढ़ गया भाई, मैं तो तुम्हें बताया ना लाइट के। बाकी चलो चलते हैं और दिखाते हैं तुम्हें पियो। तो भाई लोगों आज फिर से नहीं चल रही सिग्नेचर ब्रिज की लाइट यार, यही होता है भाई सिग्नेचर ब्रिज। लेकिन आज तो बिल्कुल नहीं चल रही, आज तो कोई सी भी नहीं चल रही, आज सारे में अंधेरा हो रहा है। हमें अपनी टॉर्च की टॉर्च जलाने से काम चलाना पड़ रहा है। बाकी सिग्नेचर ब्रिज के नीचे हूँ, ये रहा सिग्नेचर ब्रिज, ये रहा भाई हूँ। लाइट नहीं चल रही कोई बात नहीं, क्या कहोगे? हमारे पास जितने पैसे थे ना हमने सबको बिल भर दिया, एक दिन जल्दी ले लो ये रहा सिग्नेचर ब्रिज। यार ऐसा मत करो, सुन लो भाई टीम 94 की सुन लो, ऐसा 24 घंटे जला के रखा, 24 घंटे नहीं, जब जब हम जाए जब जब चलती हुई मिले बस, बंद कर दो फिर बात। हमारे ब्लॉग पर मजा आ जाता है ये बस। आपके बाप का रोड नहीं है? फाइनली दोस्तों हम आ चुके हैं यहाँ पे, तो क्रिकेट खेलने देखो ये बच्चे, देखो क्रिकेट खेल रहे हैं यहाँ पे। तो पिछली बार की तरह इससे भी रौनक हद से ज़्यादा ही दिखाई दे रही है मुझे तो। अब की बार भी माशाल्लाह भाईजान बहुत यार मुसलमान एरिए में अच्छा ही होता है। देखो यार देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी लग रही है यार मस्जिद, देखो एक सेकंड। तो लो भाई आ चुके हम कसाबपुरा यहाँ पे, पिछली बार तो दिखाया होगा, पिछले भी लोग आया होगा कसाबपुरा का। ये देख रहा हूँ मस्जिद, बड़ी प्यारी मस्जिद है। साधन भाई जाना चाहते हैं इस मस्जिद में? मुआ मुआदो का हूँ, गंदा होगा यार, हर जगह तो मुआद होने लग जाते हो यार। स्मार्ट इतने यार, स्मार्ट बनाना दिखाया अपना, ये बस रहने दो, मैं नहीं हो गया स्मार्ट। नहीं अच्छा इमोजी लगा दूंगा ये वाला। हाँ बाबू भाई मिले हमारे भाई, हमें देख रहे थे यार, बताओ। हाँ जी तो दोस्तों मैं खड़ा हूँ मस्जिद के थोड़ा सा बाहर, माशाल्लाह मैंने मस्जिद अंदर से देखी। तो भाई देखो अल्लाह का घर है, अल्लाह का घर तो मैं पता ही है सबको कैसे होता है। माशाल्लाह इतनी बेहतरीन मस्जिद बनाई गई है। बाकी मैं तुम्हें अंदर से व्यू दिखाता हूँ, कितना प्यारा लग रहा है, कितना प्यारा बच्चे हाई कर रहे हैं भाई, सबको सलाम दो, सलाम का जवाब दे देना सभी भाइयों कमेंट में प्यार से। और तो मस्जिद दिखाता हूँ भाई, तो मस्जिद देखो यहाँ की मस्जिद कैसी माशाल्लाह, ये देखो भाई जान यहाँ का कितना प्यारा व्यू लग रहा है भाई जान, ये देखो मस्जिद देखो तुम्हें, ये देखो
माशाल्लाह अंदर का जो ये बनाया गया है ना मौलाना के लिए जो बनाया गया है जहाँ पे हमारे इमाम साहब नमाज पढ़ाते हैं, देखो कितना प्यारा लग रहा है यार, ये बेहतरीन लग रहा है, मुझे सबसे प्यारा यही लग रहा है। बाकी ना मस्जिद तो मैंने तुम्हें दिखाई दिया, ये देखो। तो यार सारे यार दोस्त अभी खुशबू बना रहे ना क्योंकि धूल भट्टी ज्यादा चले गए थे, तो मेरे अंदर धूल भट्टी थोड़ी ज्यादा होगी, तो मैं तो अभी हाथ धोऊंगा। बाकी मैंने मस्जिद दिखाई दी, और टाइम देखो, तो मैं एक सेकंड टाइम दिखाता हूँ, टाइम देखो कितना हो रहा है, सवा बज गए भाई, सवा बज गए, टाइम आएगा तो सिर्फ आ चुका यहाँ पे है खतम शरीफ था, यहाँ पे यहाँ पे माशाल्लाह खतम शरीफ था, कुरान शरीफ मुकम्मल हुआ यहाँ पे पूरा। तो अब मैं तो जा रहा हूँ भाइयों हाथ धोने के लिए। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं अलीम बिरयानी के ठेले पे, जो पिछली बार हमने अलीम बिरयानी खाई थी, जो जिसका मैंने जायका बताया था, माशाल्लाह एक नंबर जायका हो रहा था। तो भाइयों फिर मैं आ चुका हूँ तुम्हें दिखाने के लिए कि आज भी चलो खाते हैं और थोड़ी देर में मिलते हैं। और तुम्हें कोई भाई लगा रखे, अस्सलाम वालेकुम खैरियत खैरियत भाईजान, पहचाना नहीं पहचाना? और भाई क्या हाल है? बढ़िया भाई, लगाओ बिल्कुल बिरयानी लगाओ भाई। वो पिछली बार की तरह फिर से आ चुका हूँ मैं यहाँ पे बिरयानी खाने के लिए, क्योंकि यार मून सा घूम के हमने कहा चलो भाई की हलीम बिरयानी खाई जाए, बहुत बढ़िया टेस्ट बताया था यार। बाकी चलो मिलते हैं अभी, अलीम बिरयानी करके दिखाता हूँ तुम, और दिखाता हूँ चलो। तो भाइयों फिर से हमारी बिरयानी हो रही है, पांच प्लेट ना, हम पांच बंदों की बिरयानी कर रहे हैं। भाईजान अलीम वहाँ से डाल ले, और ये देखो माशाल्लाह कितनी प्यारी बिरयानी लगी, चटनी साथ डाल दी, और उन्होंने प्याज डालने के लिए रेडी है, अभी देखो मसाले भी छिड़क दिए उन्होंने, और ये डालेंगे अब तरी यहाँ की, ये देखो माशाल्लाह वहाँ से डाल रहा है हमारा अलीम बिरयानी के लिए नींबू और प्याज। ये देखो भाईजान एक प्लेट हो चुकी है हमारी, दूसरी प्लेट के लिए बिरयानी इन्होंने कर दी, ये यहाँ तो दो बंदों की प्लेट जा चुकी है, ये नहीं भाई और बंदों की यहाँ पे हो रही है बिरयानी, चौथी प्लेट हमारी दोबारा होते हुए, ये देखो ये जा चुकी है भाई, बहुत बढ़िया, अब लास्ट होगी, अब हमारे लिए होगी भाई, हमारे लिए हो रही है। भाई से गुंजाइश करूंगा कि अलीम की पिछली बार की तरह डाल देना भाई जान लो, और चलो फिर से दोबारा टेस्ट करके बताता हूँ आज का कैसा जायका और कैसा जायका नहीं है। चलो भाइयों मेरी भी आ चुकी है अलीम बिरयानी भाई, अब मैं सीट ढूंढूंगा, मेरे से नहीं हो रही बर्दाश्त बिल्कुल भी खाने के लिए। तो भाईयों मैं तो बैठ चुका हूँ अलीम बिरयानी खाने के लिए, सबने देखो देखो कैसे खाए जा रहे हैं, किसी को बर्दाश्त नहीं बिल्कुल भी, उतनी बार बढ़िया लगेगी, जितनी बार भी आओ उतनी बार बढ़िया लगेगी। तो उसी भाई का कहना है उस्मान भाई देखो ये खा रहे हैं, मजा आ गया फिर तुम्हारा भाई बेजान भाई, तो स्नैपचैट लगाने में पड़े पड़े और ये सब लगे पड़े, और मेरी बिरयानी ऐसी की ऐसी लगी हुई है। और बाकी अब मैं टेस्ट करके लिए बताता हूँ तुम्हें कैसे लग रही है आज कैसे नहीं, ये माशाल्लाह पिछली बार की तरह उससे ज्यादा जायका है, पिछली बार से ज्यादा बढ़िया जायका बताया जा रहा है भाईजान, ये कितना माशाल्लाह भाई मैंने गलत बताया, उसी गलत बोल रहा है, मेरे को तो बढ़िया लग रही है भाई, और तुमसे मैं करूँगा थोड़ी देर में बात, क्योंकि भाई मेरे से भी आ जा रहा बिल्कुल भी ना खाए, मेरे मुंह में आ रहा पानी। तो दोस्तों मैंने तो खा ली अपनी प्लेट बिल्कुल साफ खल्लास कर, तो क्या करूँ ना और भाई हो इन सबसे बिल्कुल भी अभी तक खाई नहीं गई, ये देखो सारी भाई की प्लेट इनसे खाई दी जाएगी, पेट भरा भाई क्या नहीं, मैं व्लॉगिंग कर रहा था भाई इसलिए थोड़ा लेट हो गया था, मैं व्लॉगिंग कर रहा था भाई, साधन भाई ने भी फिनिश कर दी है भाई, आज तो सिर्फ भाई भी तीसरे नंबर पर आ गए, और भाई हमारे मैनेजर साहब क्या हो गया पेट भर गया क्या, मैं एक बोल रहा हूं तीन दिन, ये देखो भाई साधन भाई तो लड़ रहे यार, अलीम बिरयानी पर लड़ रहे हमारे साधन भाई, बेवजह इन जानवरों को भी कुछ खिला दिया करो, ये कभी मांगते नहीं है लेकिन भूख इन्हें भी लगती है। भाई के साथ तो हो चुका हमारे अलीम बिरयानी खत्म है, तो भाई दोबारा बना रहे भाईजान, इनके टेस्ट यार इनके टेस्ट इनके अलीम बिरयानी को कुछ तोड़ नहीं है भाई यार, कोई ऐसे हाथ में क्या जादू है आपके, तो मतलब यार तुम्हारी अलीम बिरयानी का तोड़ ही नहीं है, अल्लाह देता भाई, मतलब यार इतनी बढ़िया लगती है, देखो दोबारा आए हुए पिछले भी लोग तो देखा ही होगा आपने, ये देखो इनसे अभी तक खाई नहीं जा रही, मैं क्या हूँ मुझे खान तो मैं मेरे बर्बाद हो जाएगा नहीं, हम भी तो खा लेंगे, सुनो दोस्ती पत्ती खाना पीना अपना अपना, तो बेकार है जो खाने में भी हेल्प ना करवाए, बड़े भाई कैसे लग रही है बिरयानी, अली बिरयानी माशाल्लाह बढ़िया लग रही, कैसे लगी अली बिरयानी, सही है भैया, कहाँ खाओ हम आए बिजनौर से खा रहे अली बिरयानी, बिजनौर से बहुत मजा, बहुत बढ़िया वाली भाई जान, आप कहाँ खाओ जी, कमला नगर से भाई जान, बिजनौर से आए हुए हैं जी, मतलब इतने चाहने वाले हैं इन भाई के, क्या नाम है भाई का, सरताज भाई के इतने चाहने वाले हैं यार, इतने दूर दूर का बुला रखे हैं भाई के, इतनी मोहब्बत है और से अलीम खाने खाए वाले यार, तुम क्या कर रहे हो यार, किराया दो नंबर है भाई 807 899
77। मैं तो खा चुका हूँ अपनी प्लेट भाईजान, ये रखी हुई मेरी प्लेट भाईजान। तुम्हें क्या तारीफ बताऊँ, जैसे जावेद नहारी वाले की तारीफ बताई थी ना मैंने, तुम्हें ऐसे ही मैं इस हलीम बिरयानी वाले भाई की मैं तारीफ बताऊँगा तुम्हें। माशाल्लाह बहुत एंड बिरयानी है भाई। तो भाई देखो मैं तो यही कहूँगा तुम भी एक बार खाने आओ, सबका टेस्ट अलग अलग होता है भाई, किसी का जायका अलग किसी का जायका अलग। तो भाइयों मैं भी कहूँगा, बाकी डिस्क्रिप्शन में हम वो डाल देंगे सारा एड्रेस, कहाँ पे है कहाँ पे नहीं है, कौन सी जगह है कौन सी नहीं। बाकी तुम भी आओ टेस्ट करो, जाके बताओ कैसा लग रहा है कैसा नहीं। सारा फोन नंबर भी भाई का, ये देखो शाही हलीम बिरयानी हमारे यहाँ शादी व पार्टी के ऑर्डर बुक किए जाते हैं, मेरठ की मशहूर है, मेरठ के बंदे भाई, फैसल पेटीएम नंबर 4। ये भाई ने दे रखा है, बाकी सभी आओ भाई, सभी टेस्ट करके जाओ, और बाकी थोड़ी देर में मिलता हूँ तुमसे। तो निकलने का वक्त हो गया बाकी, ये रहे बच्चे, और तुम भी खाते हो हलीम बिरयानी, बढ़िया लगती है, खा रहे तो ऊपर ही रहे तो। तो अब निकलने का वक्त हो गया, सरताज भाई से बात भी करी भाई, उनका नेचर भी बहुत बढ़िया है, बातचीत बहुत बढ़िया तरीके से करते हैं। और भाई माशाल्लाह देखो पिछली बार मैंने मस्जिद दिखाई थी, ये वाली मस्जिद दिखाई थी, यहाँ से लेके शुरुआत यहाँ से लेके वो कहाँ तक लगे वो एंड तक दिखाता हूँ तुम्हें, वहाँ तक लगे एंड तक लगे भाई जान। देखो कि वहाँ पे चाय लेने के लिए गए हुए मेरे यार दोस्त, बाकी चाय देखते चाय शायद माशाल्लाह अच्छी बनाते हैं, ये भी अभी प्याली की चाय देखो कितनी बड़ी कढ़ाई में दूध दे रखा है इन्होंने, कितनी बड़ी कढ़ाई में दूध है। बाकी साधन यहाँ पे ले रहा पूछ रहा भाई क्या हुआ भाई ले रहे हो, अच्छा बहुत फेमस चाय बताई यार ये भाई जान, यहाँ हाथ में रोक रहा हूँ भाई का बिल्कुल भी जरा सा, करे पड़े करे पड़े हर गिलास में करे पड़े। बस साधारण भाई उठाने वाले चाय यहाँ से भगने वाले हैं, ये लेके पांच चाय एकदम बेस्ट बना दो, मलाई वलाई सब बढ़िया करके। ये देखो हमारी चाय मलाई डालने वाली है, ये देखिए कितनी बढ़िया लग रही है स्पेशल चाय हमारे लिए, देख रहे हो भाई मतलब इतनी तेजी से काम करते हैं। कितने साल पुरानी दुकान है ये, कितने साल पुरानी दुकान है ये, कम से कम 25-30 साल पुरानी दुकान है ये। तो भाई अभी ये देखो ये गे रही अपन की चाय, तो फ्रेंड चाय कैसी लग रही है, जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है, मलाई मलाई आई है भाई, मौसम लग रही है वहाँ का, मैं नागोरी वाले से बोल रहा हूँ भाई चाय ओके मम्मा, थोड़ा सा मीठा है ना, थोड़ा सा हल्का सा बस मीडियम तेज पीता हूँ, तो हल्का सा मुझे कम लग रहा, बाकी एक नंबर चाय वही बात बनाने का तरीका वो सबसे ओके। एक चीज तुम्हें और बताऊँ, ये पुराने गिलासों में मिल रही मुंबई वालों में, कटिंग चाय ले जा, वो जो कटिंग चाय बोलते हैं उसे बोलते हैं। जवाब नहीं है चाय का, दुकान देखो यार कितनी पुरानी है, दुकान देखो बाकी अब चाय पीने का बात करता है, चाय तो यार मुझे बहुत बढ़िया लगी यार, मतलब चाय का जवाब नहीं है, चाय पीने का बात करते हैं। तो भाइयों KGF में रोकी भाई की थी, रोकी भाई की जो भाई की ना यार, बस तो बस भी कर मेरे लाल, अरे बस कर भाई, तो जो बस कर भाई, रोकी भाई की देखो भाई भाई नारे 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 नारे, तो ये भैया करते हुए चाय पी ली हमने, अब गिलास देगा ना, गिलास हमारे लिए भाई, हम तो चाय पी के रेडी हो चुके हैं, यहाँ पे पैसे पूछे जा रहे हैं, पैसे कितने के हुए, यहाँ पे देखो यहाँ के कितने सारे भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे चाय पीने के लिए, बाकी माशाल्लाह चाय बड़ी प्यारी ले रही थी, तो इतनी देर से पैसे पूछूं पैसे नहीं बता रहे। तो भाई चाय तो हम पी चुके हैं, बात ये पैसों की बारी, पैसे दिए जा रहे हैं भाई, और भाई ज्यादा महंगी चाय नहीं है, 10 रुपए की चाय में उन्होंने चाय का खोल दिया, मजा बांध दिया 10 रुपए की चाय में। तो भाई लोगों
हमने फ्रेंड सोचा, फ्रेंड दिमाग में आया, हमने फ्रेंड करेंगे बहुत सक्सेसफुल हो गया। तो देखो सक्सेसफुल हो जाता तो ठीक है, बाकी पूरी पब्लिक रिएक्शन में हम प्रैंक करने वाले, तुम्हें दिखाता हूं। मार्केट देखो, मार्केट देखो, देखो मार्केट देखो एक बार, पूरी मार्केट है, पूरी मार्केट में हम प्रैंक करने वाले हैं। और बाकी अगर सक्सेसफुल हो गया तो वो तुम्हें दिखाता हूं। बाकी साधन करेगा भाई, मैं तो कैमरे में हाथ कर रहा हूं, मेरे तो कुछ नहीं है, मुझे मुर्गी बना देंगे, साधन हाथ में लगेगा। चलो चलता हूं, तौसीफ के साथ प्रैंक होगा, तौसीफ के साथ सुन लो मेरी बात, पहले तौसीफ के साथ प्रैंक होने वाला। ये चारों तौसीफ आ गए, उस्मान भी जा रहा, सारा दिन को पता नहीं है कुछ भी कि इनके साथ होने क्या वाला। बाकी चलो दिखाते हैं, चलो बाकी तौसीफ के साथ। हाँ तो भाई यार कोई बात नहीं, अल्लाह हिदायत देगा, अल्लाह हिदायत देगा, अल्लाह हिदायत देगा। तो भाई कोई बात नहीं, अब तौसीफ के साथ होने वाला प्रैंक। ओए हाय बाय, बच गया, बच गया साला, होने वाला प्रैंक। ओए हाय बाय, बच गया भाई, कसम से बच गया यार। पूरी कोशिश करी दिखाने की भाई, कसम से बिल्कुल नहीं हो पाया। देखो कितना नाच रहा है, देखो कितना नाच रहा है साले, नारा लगा रखा है। देखो पूरे भरे बाजार में इसके पजामो उतारने की गई थी हमने, लेकिन बस सक्सेसफुल हो नहीं पाया भाई बिल्कुल भी। तो भाई तो कोई बात नहीं भाई, बाकी तो भाई यार कसम उठा के अगर ये प्रैंक हो जाता ना तो मजा बांध देते, पूरा पब्लिक रिएक्शन दिखाता। अगर इसका पजामा उतर जाता ना तो तुम पब्लिक रिएक्शन दिखाता, तो मुझे पता क्या डर लग रहा, जब तुम दोनों बात कर रहे थे मुझे लगा मेरी टांग पकड़ के उठा देंगे। अच्छा ये सोचा टांग पकड़ के उठा देंगे, लेकिन तुमने इससे कुछ अलग सोचा था, हमने सोचा था कि पूरा पजामा ही उतार देंगे जाने का, लेकिन इनने नारा बांध रखा था हम उतार नहीं पाए। कोई बात नहीं, अगली बार पक्का है, ध्यान रखना, अल्लाह ने बचा लिया, अल्लाह का शुक्राना करता बहुत ज्यादा। बाकी कोई बात नहीं, अगली बार दिखा दे तुम्हें पक्का भाई। जब खाली रहता है ना बंदा, कोई दिमाग नहीं घूमता, तो बताऊँ कैसे हरकतें करता है। जैसे ये भाई देख, सकल दिखा रहा, सकल बताऊँ कैसे हरकतें करता है। ये देखो कैसे हरकतें करता है साला, ये देखो मेरा फोन देखना क्या करा, ये देखो कान गए तो पक गया क्या, ये रहा ये रहा ये रहा ये रहा, ये बंदा ऐसी हरकतें करता है जब दिमाग कुछ घूमता नहीं। तो देखो साले ने पूरा उल्टा कवर चढ़ा दिया, पागल है पागल, दिमाग से पागल है। कोई बात नहीं यार, बच्चा अपना सीख जाएगा, साथ करेगा तो सीख जाएगा। चप्पल मार दे, यहाँ पे तौसीफ भाई देख रहे हैं वीडियो के लिए चश्मे, क्या चश्मे कौन सा चढ़ा हुआ, धूम मचाले धूम मचाले धूम धूम धूम। ये देखो ओए ओए टुई 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 करती है, चुड़ी करती है टुई, छोड़ बाकी माशाल्लाह भाई चश्मे बहुत प्यार प्यारे लग रहे हैं। क्या ओ तेरी ये भाई ईंट, ये ईंट देखो, ईंट ईंट देखो कितनी प्यारी लग रही है ईंट। ईंट भाई की टोपी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी अच्छी मिल रही है, 550 रुपए का रेट बताया भाई जान ने। ये दुबई वाले रेट बताए, ज्यादा निराश मत होना दोस्तों बिल्कुल भी, क्योंकि दुबई के अंदर खड़े हैं हम। बाकी माशाल्लाह क्या क्या चीजें मिल रही है देखो यहाँ पे देखो, हाँ माशाल्लाह फेंटा पी रहे हैं लेकिन पूछ नहीं रहे। कोई बात नहीं दोस्तों, इंशाल्लाह जिस दिन हम कामयाब हो जाएंगे हम भी पूछेंगे नहीं इनको, टेंशन मत लो। ये देखो चश्मा देखो भाई, चश्मा दिखाओ ये लड़के। बाकी तुम देख के बताओ भाई शीशे में कैसे लग रहा है। बाकी मैं अपने आप को शीशे में देख के बताता हूँ, मैं देखो कैसे लग रहा हूँ अभी ब्लॉगिंग करता हुआ, सही नहीं लग रहा यार अभी, सही नहीं लग रहा ना दोस्तों। भाई चैनल का नाम पूछे, चैनल का नाम है कबूतर भाग गई चिड़िया लेके, क्या बोला तूने, नहीं मजाक नहीं भाई, चैनल का नाम मैंने गलत बताया, मैंने उनको चैनल का नाम बताया कबूतर भागी चिड़िया लेके, सही बताया यही नाम है भाई कबूतर भागी चिड़िया लेके। अरे दोस्त यार टीम 94 के नाम से चैनल है, क्या नाम था, टीम 94 टीम 94 94 ठीक है भाई, जल्दी से जल्दी फटाफट सब्सक्राइब कर लेना। तुम भी आ गए ब्लॉग में, लू नहीं लू पक्का ले लू, नाम बताओ अपना। मोहम्मद अम्मान। आपका? मोहम्मद अशीर। क्या? अशीर। अशीर माशाल्लाह बहुत प्यारा नाम है आप। मोहम्मद अरकान। मोहम्मद अरकान बहुत बढ़िया माशाल्लाह। देखो यहाँ पे चीजें देख रहे हैं कितनी कितनी प्यारी मिल रही है। बाकी तो देखो भाईजान कैप वेप सब मिल रहे हैं यहाँ पे। तो भाइयों ये अंगूठी दिखाई दी है मेरे को, देखो अंगूठी है क्या है पता नहीं, देखो साधन पहन को दिखाइए, साधन नीचे हाथ दिखाइए, देखो अंगूठी देखो कैसी लग रही है, इतनी बड़ी पूरी अंगूठी हाथ गिरी है इसका तो बिचारे का भाई, बर्तन बर्तन भाई छोटा है ना। हाँ कोई बात नहीं भाइयों, कोई बात नहीं, इतनी बड़ी बड़ी अंगूठी है। बाकी तो यार ये सेट बड़ा प्यारा लग रहा है मुझे, देखो ये जो सेट है 2250 रुपए का बता रहे हैं घड़ी का। भाई ये चेन है ना, चेन ये गले में डालने की चेन है ना, ये गले में डालने की चेन है, ये गले की चेन है। अच्छा गिफ्ट भी मिलेगा माशाल्लाह, इतनी सारी चीजें दे रहे हैं भाई जान 2250 रुपए में, लूट मचा दो फटाफट आओ यहाँ पे बाड़े के अंदर और यहाँ से लूट मचा के लेके चले जाओ भाई। आपके साथ आएगा उसके लिए इधर भी इंशाल्लाह। ओए होए इधर माशाल्लाह, भाई ने क्या बात बोल दी, इधर जो हमारे साथ आएगा भाई जान, ये फिर ब्लॉग को देख आएगा, ब्लॉग देख आएगा भाई जान, वो इंशाल्लाह पक्का भाई पक्का दोगे ना इधर, इंशाल्लाह पक्का इधर फ्री मिलेगा, बिल्कुल बिल्कुल इधर फ्री मिलेगा भाई। जल्दी फटाफट आ जाओ यहाँ पे, जल्दी से धूम मचा दो फटाफट भाई के पास, कुछ ना कुछ चीज खरीद के ले जाओ ब्लॉग में आके। चलो थोड़ी देर
में मिलते हैं भाई। तो भाई अब यहाँ से हम निकलने का हमने प्लान बना लिया, अब निकलने की तैयारी हो चुकी है। एक गाड़ी हमारी पीछे, ये आगे, एक गाड़ी आ गई और एक गाड़ी हमारी। अब रास्ते का मैं व्यू दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि यहाँ धूल मिट्टी ज्यादा होती है, तो सीधा वहीं जाके मिलते हैं। जहाँ भी जाना होता है, बीच में रुकना होता है, वो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। चलो तो आ गए हम अपनी खजूरी में चौक पे। ठंड लग रही है, बारिश होने वाली थी यार, आज बारिश चला रहा, बादल आज बादल आ गए थे। अरे मैंने मना कर दिया। अच्छा तो ऊपर जाइए, बात ऊपर जा। अरे मेरा चचा ताऊ सब ऊपर रह रहे हैं, वो बताते रहते हैं। तो आ चुके हैं हम अपने रूम पे। साधन भाई ने कोई आराम फरमा रहे हैं, ये चूहा मार रहा है। तो सानू भाई गए हुए हैं नहाने, हमारा छोटा फैन भी घर गया हुआ है खाने पीने, क्योंकि मुझे बता रहा था भूख लग रही है और खाऊंगा। रेडी का टाइम भी हो गया, तो अब कमेंट पढ़ने का भी टाइम हो गया, मिलते हैं एंडिंग में। तो चलो एंडिंग में। तो दोस्तों अब आ चुके हम सब अपने घर पे, और अब करते हैं एंड व्लॉग का, और आपके प्यार को दिखाते हैं जनता के सामने। तो पहली कमेंट पढ़ते हैं रोज की तरह, तो सिर्फ भाई। तो पहली कमेंट है लवराम गैंगस्टर की, भाई एक व्लॉग है। पहले कमेंट मैं पढ़ दूं तो पढ़वा, पढ़ो पढ़ो रोज, तो सिर्फ भाई खड़ी चले आगे, तो सिर्फ भाई चुप कर बे कुत्ते। तो तुम पढ़ लो चलो। सारे खान लव यू टीम 94, लव यू बाबू भाई, लव यू टू, मिलेगी खुशी मिल जान, है मिलेगी खुशी यार भाई यार। पहले कमेंट करूंगा, चल पढ़ दूसरी, पढ़ो पढ़ना। तो दूसरी कमेंट है लवराना गैंगस्टर की, भाई एक व्लॉग मनाली का भी बनाओ, शुरू से एंड तक कम से कम 30 मिनट का होना चाहिए। भाई इंशाल्लाह बनाएंगे, बस 30 मिनट का नहीं होगा, हर दिन डालते रहेंगे वो व्लॉग। भाई आप चार ही लोगों के टीम में, भाई हम चार ही लोग हैं और पांचवा हमारा मैनेजर है। तो भाइयों तीसरी कमेंट है उज्जी, और साधन भाई क्या हाल है, तुम्हारी गली में नानी का घर है मेरे साकिब का भांजा। बिल्कुल भाई पहचान लिया मैंने यार, मेरी गली में आपकी नानी का घर है, मैं पहचान गया, भांजा तो मेरा भांजा, मेरा ही भांजा ही है। और इंशाल्लाह तो मुस्तफाबाद में जल्दी बनाएंगे ब्लॉग अगला, ठीक है। तो चौथी कमेंट आती है भाई बाबा टिल्लू की, ये भाई बोल रहे हैं भाई कामयाबी बहुत स्लोली स्लोली मिलती है, आपको पता भी नहीं चलेगा आप कब कामयाब हो जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल भाई आपको वो कामयाबी भी कम लगेगी, अल्लाह आपके मन की इच्छा पूरी करे, आमीन आमीन भाई। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो, और ईद के बाद अजमेर का व्लॉग ले आना, आई एम वेरी एक्साइटेड, अल्लाह हाफिज ऑल मेंबर। बिल्कुल बिल्कुल भाई, पूरी कोशिश कर रहे हैं अजमेर की, तो भाई यकीन करना पूरा। देखो ज्यादा आस भी लगा के नहीं बैठनी चाहिए किसी के ऊपर, क्योंकि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो ही जाती है भाई। बाकी जो भी लोग तुम देख रहे हो ना, भी उसकी एडिट चल रही है। देखो हाँ, जो अब तुम देख रहे हो देख लो और ये मेहनत हो रही है, कमेंट भी पढ़ रहे हैं हम तुम्हारे और व्लॉग भी एडिट हो रहा। तो कमेंट में बहुत ज्यादा ज्यादा प्यार दो, इतनी लाइक आती है, इतनी लाइक आती है, उतने तो कमेंट कर दो यार। और टाइम तो देखो कितना हो रहा है, टाइम हो रहा है फजर के 5:24 सुबह की, ये देखो एडिट भी हो रहा है, कमेंट भी पढ़ रहे हैं, फजर की नमाज पढ़ के आ चुके हैं। तो चलो कोई बात नहीं, बाकी भाई इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे अजमेर में जाने की, पूरी कोशिश करेंगे, मतलब पक्का ही इंशाल्लाह। बस कोई दिक्कत ना फंसे, कोई प्रॉब्लम ना हो, बाकी इंशाल्लाह जरूर ईद के बाद दूसरे तीसरे दिन निकल जाएंगे। बिल्कुल, और बाकी आने वाला बहुत अच्छे अच्छे लोग आने वाले हैं भाईजान, अभी थोड़े दिन और रुक जाओ। तो हमारा वाले भी रहा है, कौन सा रामनगर नैनीताल के साथ प्रैंक हुआ है, प्रैंक हो चुका रामनगर में, ध्यान रखना, वो ईद के बाद डालेंगे। लेकिन चलो मिलते हैं फिर अगले व्लॉग में, उम्मीद करता हूँ प्यारा व्लॉग लगा ही होगा भाईजान। तो चलो मिलते हैं, अल्लाह हाफिज। बिग थैंक यू फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत धन्यवाद।